खबर लो एबार गृहमंत्री अमित शाहर बृह घोषणा कि समग्र देशजुरी हम इ लोकपियल और इतिम्य गृहमंत्री अमित शाह इ लोकपियल कथा घोषणा कर मुहूर्त खबर जाना गृहमंत्री अमित शाह एक बृह घोषणा कर शीघ्र देशजुरी हम इ पियल अत्याधुनिक प्रजुक्ति हम इ पियल और इ पियल द्वारा आगंतुक 25 बस उन्नयन रूटमेप इतिम्य प्रस्तुत करमिनगढ़ गृहमंत्री अमित शाह मुक्ति कर इ पियल कार्यालय केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह बृह घोषणा करमिनगढ़ गृहमंत्री अमित शाह मुक्ति कर इ पियल कार्यालय आधुनिक प्रजुक्ति हम इ पियल अत्याधुनिक प्रजुक्ति हम इ पियल ए पियल द्वारा आगंतुक 25 बस उन्नयन रूटमेप तैयार कर मुहूर्त आम हाथ मंत्य जनगणना आंकड़ों का एकमात्र स्रोत होता है सरकार की राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की नीतियों के नियोजन और निरूपण इसी के आधार पर किए जाते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों स्कॉलरों व्यापारियों और उद्योगपति भी इसी के आधार पर भारत का आगे का विकास का नक्शे का परिचय लेते हैं और ढेर सारे सर्वेक्षणों से ये जनगणना एक साथ हमें बचा लेती बार बार किए जाने वाले खर्चों से बचाने का भी जनगणना काम करती है मित्रों अनुभव सिद्ध डाटा के आधार पर जो निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय परिणाम लक्ष्य होते हैं और परिणामदायी भी होते हैं उनका लक्ष्य परिणाम की ओर होता है और उसका फल परिणाम के रूप में आता है इसलिए अनुभवी सिद्ध डाटा निर्मित हो इसलिए इस बार हमने तय किया है कि आने वाली जनगणना जो अभी रुकी पड़ी है कोविड के कारण वो जनगणना जब भी शुरू होगी वो ई जनगणना होगी इलेक्ट्रॉनिक जनगणना होगी और 100% परफेक्ट जनगणना होगी जिसके आधार पर देश के आगामी 25 साल के विकास का खाका खींचा जाएगा जनगणना आंकड़ों का